इंग्लिश एकेडमी, आई एम रुचिका एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स में है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। इसे हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है जिनका आपको ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एंड वी विल ऑल्सो सी अ फ्यू सैम्पल क्वेश्चंस। So before starting with this session, I would like to remind you that we have dedicated courses for classes 9 to 12 and these courses will help you improve your marks in English exam. So please go to the link given in the description box and in the comment section and subscribe to the courses now. Now coming to this topic of descriptive paragraph writing. सबसे पहले देखते हैं कि descriptive paragraph होता क्या है। जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि एक ऐसा पैराग्राफ, एक ऐसा कॉम्पोजिशन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन को, प्रोसेस को या फिर इवेंट को डिस्क्राइब करता है, यानी कि हमें उसके बारे में कुछ बताता है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव्स। तो हम ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस यूज करेंगे जिससे कि हम जो क्वेश्चन में दी हुई चीज है उसे डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे। अब हमें अपने टेक्स्ट को अपीलिंग बनाना है, उसे इंटरेस्टिंग बनाना है, मींस ऐसी डिस्क्रिप्शन देनी है, ऐसे सेंटेंसेस ऐड करने हैं जिससे कि हम अपनी इवेंट के बारे में या पर्सन के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन बता सके अपने रीडर्स को। और हमें विजुअल इमेजरी क्रिएट करनी है। विजुअल इमेजरी का क्या मतलब हुआ? जैसे कि पोएट्स भी करते हैं ना, पोएम्स में रीडर के माइंड में एक सीन क्रिएट करना, जैसे कि हम बोलते हैं ना, काले काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चलने लग गई, तभी लाल साड़ी में एक लड़की आ गई और उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे थे मानो के पेड़ के पत्ते उड़ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज अ विजुअल इमेज। आपने रीडर के माइंड में एक इमेज, एक सीन क्रिएट कर दिया। एंड देन वी हैव टू यूज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं, टॉल, प्रिटी, बिग, रेड कलर, इंटेलिजेंट, मैनी, कलरफुल, सेंसिटिव, अट्रैक्टिव। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स के जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट? तो इन्हीं को यूज करके आपने ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनानी है। और ऑब्वियसली आपके सेंटेंसेस में एक लिंक होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए जब आप ये पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि फॉर्मेट क्या है। अब ये बेसिकली एक पैराग्राफ है तो हमें एक ही पैराग्राफ में लिखना है अपना आंसर, वन सिंगल पैराग्राफ। लेकिन इस पैराग्राफ में भी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो टॉपिक है मिला हुआ हमें क्वेश्चन में, उस स्टेटमेंट अगर दी हुई है तो हम उस स्टेटमेंट के बारे में कुछ लिखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम अपने रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करेंगे। तो हमें इस इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाना है और अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं ताकि हमारा रीडर आगे पढ़ना चाहे। और आप सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे और एक बैकग्राउंड भी दे सकते हैं उस इवेंट के बारे में या उस पर्सन के बारे में इंट्रोडक्शन की तरह, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी बॉडी जिसमें कि हम उस टॉपिक को और ज्यादा इलैबोरेट करते हैं, उसके बारे में 3-4-5 सेंटेंसेस लिखते हैं। एंड इन द कंक्लूजन, कंक्लूजन में अगर हम कोई इवेंट पे गए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, हमने क्या क्या कुछ सीखा, अगर हम किसी से मिले तो उससे मिलने के बाद हमें कैसा लग रहा है, अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया तो गिफ्ट पाने के बाद उस व्यक्ति को कैसा लगा, उसने हमें कैसे रिएक्ट किया, राइट? इस तरह से आपने कंक्लूड करना है। अब हम देखते हैं कि क्लास टेंथ में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लास टेंथ में डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग सिलेबस में है और ये जो क्वेश्चन आएगा इसकी डिटेल्स क्या है। वर्ड लिमिट है 100, तो आपने 100 वर्ड्स के अंदर अंदर ये पैराग्राफ लिखना है। देर इज नो चॉइस, मीन्स आपको एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा और वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स की ब्रेकअप है, कॉन्टेंट के पूरे 2 नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन का 1 मार्क है, एक्यूरेसी का 1 मार्क है, टोटल 4 मार्क्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो कि मैंने आपको बताया था ना, एक लॉजिक होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए आपके सेंटेंसेस में, वो आता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक्यूरेसी मीन्स आपकी जो ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्टेंट मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और कंक्लूजन, और आप उस सब में क्या क्या कुछ लिखते हैं, कितने अच्छे से उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्वेश्चन है उसकी क्या डिटेल्स है।
अब इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9th में वर्ड लिमिट है 100 टू 120, मींस आपको कम से कम 100 और ज्यादा से ज्यादा 120 वर्ड्स में ये पैराग्राफ लिखना है। आपको चॉइस दी जाएगी, मींस दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के, और आप उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द टिप्स विच विल हेल्प यू टू राइट अ नाइस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड स्कोर फुल मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज वाइड वोकैबुलरी, अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए, वैरायटी ऑफ वर्ड्स यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही एडजेक्टिव बार बार यूज कर रहे हैं, दे हैव अ बिग हाउस, द हाउस इज वेरी ह्यूज एंड इट्स अ मैंशन, ऐसे नहीं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी यूज कीजिए। इमेजरी क्रिएट कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यू हैव टू क्रिएट विविड इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। जैसे मैंने आपको एक सीन भी डिस्क्राइब किया था, इस तरह का अगर सीन क्रिएट कर देंगे ना आप, अगर आप कोई इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो बहुत ही अमेजिंग आंसर होने वाला है आपका। देन यूज लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि सिमिली, एलिट्रेशन, इमेजरी भी यूज किए जा सकते हैं। सो दिस इज अ क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन, आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज कीजिए। जैसे कि आप पोएम्स पढ़ते हैं, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक या दो। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इमेजरी तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इमेजरी यूज करनी है, विजुअल इमेजरी। ठीक है, उसके अलावा आप सिमिली भी यूज कर सकते हैं, लाइक शी वॉज वेयरिंग अ रेड ड्रेस एंड शी लुक लाइक अ रेड रोज। ठीक है, एंड या फिर ऐसे, हर रेड ड्रेस मेड हर लुक लाइक अ रेड रोज, दिस इज अ सिमिली। सो इस तरह से आप भी, अगर इफ पॉसिबल, देन यू कैन यूज दीज डिवाइसेस टू मेक योर पैराग्राफ वेरी इंटरेस्टिंग। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, ये तो हर जगह हर क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज इससे टाइम वेस्ट भी होगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो आप क्वेश्चन के जो वर्ड लिमिट है उससे ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखेंगे, एंड अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स ऑल्सो। ग्रामर एंड स्पेलिंग का पूरा 1 मार्क है, ये पूरा 1 मार्क हमने स्कोर करना ही है, तो हमने कोई मिस्टेक्स नहीं करनी। और मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप अभी से कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, राइट? सो इफ यू आर वीक इन स्पेलिंग्स, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग। लिख लिख के आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए, वही एक वे है अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने का और मिस्टेक्स को कम करने का। अब हम आगे चलते हैं और कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यू अटेंडेड द एनुअल फंक्शन हेल्ड एट योर सिस्टर्स स्कूल, डिस्क्राइब द इवेंट इन 100 टू 120 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपने एक इवेंट को डिस्क्राइब करना है, इवेंट है सिस्टर के स्कूल में एनुअल फंक्शन। तो आप पहले तो बताएंगे इंट्रोडक्शन में कि वो फंक्शन कब हुआ, कितने बजे हुआ, कहाँ पर हुआ, उसका थीम क्या था, अगर कोई थीम था, नहीं तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, और फिर कौन कौन गया था, मींस आप गए थे, साथ में आपके सिबलिंग्स गए थे, पेरेंट्स गए थे, राइट? उसके बाद आप इवेंट को डिस्क्राइब करेंगे, इवेंट में क्या क्या हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले प्रिंसिपल की स्पीच थी, उसके बाद एक प्ले था, उसके बाद कॉयर, और फिर टी, और उसके बाद क्लोजिंग स्पीच थी, राइट? दिस इज नॉट एनी फिक्स पैटर्न, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इवेंट्स के ऑर्डर को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसमें आप चीफ गेस्ट की स्पीच भी ऐड कर सकते हो, राइट? उसके बाद फाइनली एक्सपीरियंस कैसा था आपका, कंक्लूजन में आपको अच्छा लगा, इट वॉज एजुकेशनल, आपने क्या क्या कुछ सीखा, एंड अगर आपकी कोई बॉन्डिंग हुई अपने सिबलिंग्स के साथ, आपको अच्छा लगा, आप अपने सिबलिंग्स के फ्रेंड्स से मिले, वो सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स अ क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन, सो यू कैन ऐड, यू कैन जस्ट यूज योर इमेजिनेशन टू राइट अबाउट दिस इवेंट एंड मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ डिस्क्रिप्शन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स ऑफ अ पॉटेड प्लांट दैट यू एंड योर सिबलिंग रिसेंटली चोज टू गिफ्ट योर पेरेंट। ये क्वेश्चन कम्युनिकेटिव इंग्लिश के SQP से लिया गया, सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक चीज को डिस्क्राइब करना है, एक प्लांट है जो कि आपने अपने सिबलिंग के साथ मिलके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देने के लिए लिया है, आपको उस प्लांट को डिस्क्राइब करना है, राइट? तो सबसे पहले हम उस प्लांट का नाम बताएंगे, उसका कलर कैसा है, दिखने में कैसा है, उसके डायमेंशंस क्या है, और वो जिस पॉट में लगा हुआ है वो पॉट कैसा है, राइट? सो हमने यहाँ पे उस प्लांट को डिस्क्राइब किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने वही प्लांट क्यों चूज किया, उसकी ऐसी क्या यूजफुलनेस है,
और उसकी केयर कैसे करनी है, राइट, वो चीजें लिख सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि आपका क्या रीजन था वो प्लांट सिलेक्ट करने का, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि वो घर की हवा को साफ करता है या उसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपकी मदर ने या पेरेंट ने कभी कहा था कि उन्हें वो प्लांट चाहिए इसलिए आपने वो चूज किया। ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है वो पर्टिकुलर प्लांट सिलेक्ट करने का। फिर आप कंक्लूजन में बताएंगे कि आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था जब उन्होंने ये गिफ्ट देखा, राइट, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कैसा लगा जब आपने वो प्लांट अपने पेरेंट्स को गिफ्ट किया और उनका रिएक्शन देख के आपको कैसा फील हुआ। इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगेन आई वुड रिमाइंड यू दैट दिस इज अ क्रिएटिव राइटिंग क्वेश्चन, सो प्लीज यूज योर क्रिएटिविटी एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन दिस। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। टुडे वी हैव डिस्कस्ड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो आई होप आप सब भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने आंसर्स को अपनी टीचर्स से चेक करवाइए ताकि आपको पता लगे कि आप किस तरह से इम्प्रूव करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंग्लिश के मार्क्स इम्प्रूव करने हैं तो आप हमारे कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।